हमारा अगला सेगमेंट उसका नाम है फ्यूचर लीक। फ्यूचर लीक में आपा, पहले मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने आप को गवर्नर हाउस में देखती हैं? लेकिन एक्टिंग गवर्नर नहीं, फ्यूचर नहीं, आई थिंक नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? ये क्या बात है? तो गवर्नर नहीं कुछ देखिए, मैं अपने आप को, एक सीधी बात बता रही हूँ, मैं अपने आप को कहीं नहीं सोचती कि मुझे कहाँ होना है। ये पार्टी डिसीशन होता है, एक बोर्ड होता है पार्टी में, अच्छा वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा आप हुकूमत, आपकी पार्टी हुकूमत को सपोर्ट कर रही है बहुत ज़्यादा, तो हुकूमत का फ्यूचर क्या देखती हैं आप? अल्लाह करे अपने हजन से गिर ना पड़े। कैमरा टू, कैमरा वन, कैमरा थ्री, कैमरा फोर, मोइस क्या कह रहे हो? कटिंग। अच्छा चले ठीक है, नेक्स्ट ये कि खुदा हाफिज। म्यूजिक 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 फ्यूचर, कौन सा ऐसा सिंगर है जिसका फ्यूचर आप कह रहे हैं बहुत बड़ा एक्टर बनेगा? वो नए आने वालों में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, कुछ नए लड़के हैं जो काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे गाने, मसलन एक्चुअली टेस्टफुल म्यूजिक। मैं उनका नाम कबल इस वक्त लेना, एक लड़का है साजिद जिसको मैं जानता हूँ, ही इज़ डूइंग गुड म्यूजिक। और हाँ, एक साजिद अब्बास तो नहीं, साजिद और सर बगैर सीखे हुए साजिद कमर कमर। अच्छा नहीं, मैं सही बताऊं, बगैर कहीं से अच्छा, हम नहीं। पिछले 10 साल में ना एक चीज़ के पीछे पड़ गए जिसके पीछे कभी नहीं पड़े थे, कि यार अलापना, अब सब अलापे ही जा रहे हैं, पिछले हर गाने में अलाप है, हर गाने में चल रहा है। गाने का अपना एक मिजाज होता है, गाना खुद एक चीज़ होता है। अच्छी बात, वैसे गाने दोबारा बनने शुरू हो गए, मतलब बिल्कुल क्रॉस नहीं है ये, कि या तो बिल्कुल ही क्लासिकल हो और या तो बिल्कुल ही कंटेंट लेस म्यूजिक हो, ऐसा नहीं है। अब कुछ गाने पिछले 4-5 सालों में ऐसे बन रहे हैं, कुछ गाने मैंने भी बनाए ऐसे जिनमें म्यूजिक का मिजाज मौजूद है, कुछ नए टैलेंट प्रमोट कर रहा हूँ मैं। अच्छी बात। एक सिंगर है मौजम, मौजम मौजम, ही इज़ फ्रॉम अबू धाबी और वो ही विल बी कमिंग ओवर, उसका बड़ा अच्छा गाना एक आने वाला है, आप वीडियो देखेंगे। एक कोलैबोरेशन किया है मैंने उसके साथ, उसको फीचर किया है। एक नया सिंगर है कामरान, वो मैं देख रहा हूँ कि हम जो बड़े बड़े सिंगर्स को देखते हैं, शफकत, सज्जाद अली और इनके बीच में से निकल के आता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, कॉन्सर्ट जो हमारे यहाँ बहुत कम हो गए हैं, इसका फ्यूचर क्या देखते हैं आप? एक बहुत दुख भरी दास्तान, दुख भरी दास्तान। शोज नहीं होते, शोज होते थे। नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट का थी 92 या 91 की बात है, और मैं उस जमाने में जुनून में था, तो हम उस जमाने में तो हम भी जुनून में थे। नहीं नहीं, मैं बैंड में था, मैं जुनून बैंड में था, और हम गिटार लेके सलमान अहमद, मैं और ब्राइन और समीर, हम पीटीवी के स्टूडियो डी के बाहर खड़े हुए थे कि अब हमारी बारी है, और एकदम से प्रोड्यूसर ने हमें कहा कि जी वो आप लोग परफॉर्म नहीं करेंगे। अच्छा, क्यों? उन्होंने कहा जी वो जीन्स और बड़े बालों पे बैन लग गया। ओए होए, जीन्स पर बैन लग गया था। वायरलेस गवर्नमेंट से मेरी है गुजारिश है, ऐसा दोबारा कुछ ना करें। और कपड़े ही नहीं है, जीन्स ही है, मतलब पैंट पहने हैं, कुछ भी पहने हैं। वायरल, ये एक म्यूजिक, म्यूजिक के ऊपर इस तरह के दौर बहुत आए, मगर इस तरह सहाफत में बुरे बुरे दौर आए। जीन्स पे बैन लगा था भाई, इस तरह के बैन ना लगाएं भाई कपड़ों वपड़ों पे, ये कि इससे खुद कुछ दिमाग आपको याद नहीं है? हाँ, बाली पहना हुआ एक बंदा जा रहा है, उस पर बैन लग गया भाई, इस तरह भी। चले, हालांकि बाली की एक अपनी तारीख है, वो मैं उसमें जाना नहीं चाहता कि बाली पहनना जो है नहीं, अच्छे कपड़े सीखा था, बाली स्टेलर था, मैं तो उसके बाद था बहरहाल, लेकिन जाने से बाली चूज। हाँ, जाने से पहले नाजिया अशरफ से एक और गाना सुनते हैं नदीम भाई, अगर आपकी इजाजत हो, शैला आप आपकी इजाजत हो।
जो हालात चल रहे हैं उसमें ये गाना फिट बैठ के आ जा सोने घर आ जा, घर से जो वो निकल गया है जिन हालात में। नाजिया वेरी गुड, बहुत अच्छे नाजिया। जाने से पहले नदीम भाई, पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। हम हर मेहमान को कहते हैं कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हमारे शो में आए और हमने उन्हें काबिल समझा कि आपको। तो मैडम क्या बात है, आपने जो जवाब दिए ना वो कमाल दिए, वो कमाल दिए, वो सारे एडिट होंगे। अगली जाने से पहले आपको मैसेज देना चाहते हो दोनों हमारे प्रोग्राम के तवज्जो से कि बस कर दो, बस बहुत हो गया, किसी को भी, किसी महकमे को, किसी खास बंदे को। मैडम पहले आप। मैं चाहती हूँ कि बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँची है हमारी कौम कि उसने दहशतगर्दी के बाद दहशतगर्द को भी पहचान लिया है। तो पहले हम सिर्फ दहशतगर्दी की मजम्मत करते थे, अब हम दहशतगर्द को पहचान चुके हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। तो भाई अल्लाह के वास्ते बस कर दो, बस दहशतगर्द है ना, वो मुसलमान है ना, वो पुराना बिछड़ा हुआ भाई है ना, कलमा गो है, बस कर दो, बस उन्हें दहशतगर्द इंसानियत ले आओ, बाकी सब बस कर। वाह भाई, इसी के साथ हम भी फिरका वारियत बस कर दो, बस बम धमाके बस कर दो, बस और कत्ले आम बस कर दो, बस दहशतगर्दी बस कर दो, बस पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखें, अपना बहुत ख्याल रखें, सबका बहुत ख्याल रखें। उसमें बरकत को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगेबान। बातें शादे इधर की बातें उधर की बातें, अरे बहुत हो चुके वादे शादे, इसके वादे उसके वादे, एक नहीं मसले हैं सबके दस। अरे बाबा महंगाई है, लोड शेडिंग है, न्यूज ब्रेकिंग है, बस कर दो बस, ये करेंगे वो करेंगे, सब ब्रेकिंग है, बस कर दो बस, 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 बस कर दो बस।